चाहिए, क्योंकि मन सबका थोड़ा सा ख़राब था कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो सबको मन किया कि मन ठीक किया जाए। तो मन ठीक करने का, सबको दुनिया को भूलने का एक यही रास्ता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हो गई हूँ तैयार, मैं कहीं जा रही हूँ। ये गाउन पहना है जो मैंने साड़ी से बनवाया था, जो कि हमारे टेलर ने बहुत अच्छा बना दिया था। किसी को जब तक मैं बताऊँ नहीं तो किसी को पता नहीं चलता कि साड़ी का बनाया हुआ है। तो चलिए, फिलहाल चाय बन रही है तो चाय पी लेते हैं, तब तक दीदी लोग भी आ जाएंगे। बहुत दिनों बाद हम लोग साथ में कहीं जा रहे हैं। ये टकलू टकलू, तो कितना भी स्ट्रेचिंग कर ले मैं तो जाऊंगी। बाय बाय सोनू, बाय बाय। तो चलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा टहलने के लिए, यानी किसी काम से जा रहे हैं। चलिए बाय बाय। और मेरा गाउन कैसा लगा आपको, ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, लाइट शायद बराबर नहीं आ रही है। नियो देखो कैसे बात कर रहा है मुझसे, दिखाती हूँ आपको क्या है। ये देखो, ये दीदी लोग के लिए चाय हमने इसमें भर के रखी है। हम लोग भी चाय के दीवाने हैं, दीपिका की दुनिया की तरह। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे, अभी लड़ रहा था मुझसे। ये मौसी के लिए चाय जा रही है। चलो बाय बाय, बाय बाय। मम्मी लोग की गाड़ी बोलना कि भूखे लोग चाय के भुक्कर लोग, हम लोग गाड़ी में चाय पी रहे हैं। तो चाय की वो है हम लोग की, देखो चाय की तलब है, बिना चाय हमको नहीं चलता। चाय हम लोगों के लिए अमृत समान है, तो दीदी के लिए मैं गाड़ी में चाय लेकर आई। तो चलिए अब निकलते हैं हम लोग किसी स्पेशल काम के लिए, जो कि बाद में शेयर करेंगे हम आपसे। पीता देख के मुझे पीने का मन कर रहा है। मैं दीपिका जी के घर के और हमारे घर में, कि हम लोग वो भी सभी लोग भी चाय के दीवाने हैं और हम सब भी चाय के दीवाने हैं, इसलिए चाय स्पेशल लेकर आना पड़ा मुझे गाड़ी में। तो ये भी चीज सेम है, चाय की दीवानी क्या अच्छा है। वो रिएक्शन शूट नहीं हो पाया मेरे से। हम लोग पागल है चाय के। मम्मी को थोड़ी सी दे दे। बची अमृत। मम्मी नहीं पी पाएंगे, रुक जा। ये चाय की दीवानी हम लोग। एक घूंट भी इतनी प्यारी लगी ना चाय समय। भैया आ गया भाई मालिक। और वो स्पेशल काम मैं करके आ चुकी हूँ और दीदी मम्मी लोग के साथ चली गई है, मम्मी के साथ ऐसी गाड़ी में बैठ के। और मैं नियो के साथ अकेली थी। और देखिए अमन आ चुका है, और अमन के साथ कैसे नियो की मस्ती चल रही है। अभी तक तो उदास बैठा था। भैया आ गया भाई, माँ भैया आ गया। हाँ नियो, कितने पहले अच्छे से पहनाया था ना तुमने। हाँ ये हमारा नियो को हेलमेट पहनाया था। गाड़ी चला रही चलेगा नियो। नियो देखो देखो, नियो देखो देखो। अरे राम, गुस्सा आ गया। ये कहा के कुछ भी परेशान कर रहा नहीं हो तुमको। पहले रखा रहा टी, वो लेकर रखना सीधा ट्रीट। अब उसको लग रहा मैंने गलती कर दी। गलती तो तुमने कर ही दी है, चलो मार खा जाओ उसके लिए। अब बच्चा पड़ा था जो अभी इतनी मस्ती हो रही है। हाँ अभी सुस्त सब पड़ा था पूरा दिन से, जब तक मम्मी नहीं थी। पूरी मेरी तो वो खराब कर दिया है, दरी कालीन मेरी बिछाया था। अभी यही लड़का बहुत सुबह से सुस्त था, है ना नियो। मस्ती कर रहा है अभी, देखो क्या कर दिया कालिन का हाल। दीदी लोग पहले ही पहुंच चुके हैं और मैं निकल रही हूँ। कहाँ जा रहे हैं रात के 10:30 बजे, मैं भी बताती हूँ आपको थोड़ी देर में। और वहाँ पे नियो हमारा देख रहा है ऊपर, देखो कैसे झांक रहा है, देखो कैसे झांक रहा है। अभी रोएगा कि तो गया कि क्या हो गया, कहाँ चले गए हम लोग, किसकी चप्पल बाहर पड़ी है। गाड़ी बहुत बढ़िया लिया है, गाड़ी बहुत बढ़िया है मैडम। रात को हमारी सवारी निकल चुकी है, कुछ 10:15 का समय हो रहा है। तो इतनी रात को हम कहाँ जा रहे हैं बताती हूँ मैं अभी। तो उसके पहले जो अभी मैंने उनसे कहा कि वो वॉचमैन अंकल उनकी गाड़ी की बहुत तारीफ करते, जो भी देखता है अमन की गाड़ी की बहुत तारीफ करता है। आप भी बताएं कि अमन ने जो गाड़ी ली है वो उसको आप लोग को कैसी लगी है। अगर आप रात को तो बहुत मजा ही आ रहा है गाड़ी चलाने में और गाड़ी में बैठने में।
तो देखिए सेम डे है, मैं वो स्पेशल काम करके आई घर पे थोड़ी देर, तब तक दीदी वहाँ चली गई और अब हम लोग आ चुके हैं मॉल, और दीदी भी जो मम्मी के साथ गई थी वापस मॉल आ गई, आ जाएगी यहीं पर मुझे मिलेगी, और यहाँ पर हम लोग स्पेशल काम करने रात को आए हैं, स्पेशल इंजॉयमेंट करने के लिए आए हैं रात को। तो वह क्या करने आए हैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ज़रूर आइए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। इतनी रात को हम मॉल में क्यों आए हैं वो सब आपसे शेयर करूंगी। बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि जब मन खराब हो तो ये सब काम करना चाहिए, तो बस वही कुछ करने आई हूँ मैं यहाँ पर। दो तीन काम ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि अगर आपका मन खराब है तो आप वो ज़रूर से ज़रूर करिए। उनमें से एक काम यह भी है जो इस वक्त हम लोग मॉल में करने आए, तो प्लीज़ आप लोग भी उसे जानने के लिए जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका मन खराब है तो आपको क्या करना चाहिए वो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मेरे वीडियो पर ज़रूर आइए, मेरे ब्लॉग पर ज़रूर आइए, मुझे आपका प्यार ज़रूर से ज़रूर दीजिए। बाय बाय टाटा सी यू, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जीने का बस यही एक आसान तरीका है, क्योंकि लोग हैं ना सिर्फ कहते हैं, तो इस पर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। जी हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए, थैंक यू वेरी मच।